अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किचन। आज हम बना रहे हैं केक रस। बेकरी जैसे केक रस आप घर में इजीली बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। केक रस बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो ये हैं। 2 अंडे चाहिए हमें, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, मैदा, फूड कलर चाहिए, 1/2 कप ऑयल चाहिए और हमें पाउडर शुगर चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पिसी हुई चीनी लेनी है 1 कप। उसमें हमने 1/2 कप ऑयल ऐड करना है। हम इसको अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे। हैंड बीटर से चाहें या आप इलेक्ट्रिक बीटर से चाहें तो इसको बीट कर सकते हैं। मैं यहाँ हैंड बीटर यूज़ करूँगी, इसलिए मैं स्मूथ सा एक बैटर सा बना लूँगी। अब हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। अंडे आपने दोनों इकट्ठे नहीं डालने, एक एक अंडा करके इसमें शामिल करते जाएंगे। पहले एक अंडा शामिल करके इसको अच्छा सा बीट कर लेंगे। अब हम इसमें दूसरा अंडा भी शामिल करेंगे। फिर हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इसमें हम 1 स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर शामिल करते हैं। बेकिंग पाउडर शामिल करने से भी अच्छा सा राइस होगा। अब हमने इसमें 1 कप मैदा डाला है। मैदे को ऐसे हम करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। इसको हम हल्के हाथों से अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। हमारा एक गाढ़ा सा बैटर तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कैसे हमारे गाढ़ा सा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर यहाँ पर मैंने लिक्विड में लिया है, थोड़े से पानी में मैंने इसको घोल लिया था। बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। अब मैंने एक पैन को ऑयल से ग्रीस करने के बाद उस पर मैदा डस्ट कर लिया था और फिर मैं अब उसके अंदर ये बैटर अपना ट्रांसफ़र करूँगी और फिर हमें इसको बेक होने के लिए रखेंगे। इसको हम 2 से 3 मरतबा टैप करेंगे ताकि ये इसमें जो भी बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में बेक करने के लिए इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। अब इस मॉल्ट को मैं इसके अंदर रख दूंगी। हम इसको अच्छे तरीके से ऊपर से कवर कर देंगे। फोर्टी से 45 मिनट्स में हमारा केक रेडी हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा केक राइस होने लग गया है। हमारा केक बनकर रेडी है। 45 मिनट्स में हमारा केक रेडी हो गया था। अब हम इसकी केक रस की कटिंग कर लेंगे। अब हमने एक पैन को गरम करने के लिए इसमें हमने केक रस रख दी है। अब हम इसको कढ़ाई में रख देंगे और अच्छे तरीके से ये देखें, बेक होने के बाद हमारे केक रस बिल्कुल रेडी है। हमने इनको दोबारा से रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से बेक हो जाए। आपके पास ओवन है तो आप ओवन में बना सकते हैं, वरना आप की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।